गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सेमेस्टर है सेकंड ईयर। हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल का, मेडिकल का, जो मेडिकल को ऑर्गेनाइज करता है, ऑफ द कम्युनिटी, जो उसमें कम्युनिटी आएगी मेडिकल को ऑर्गेनाइज करने में। द फंक्शन ऑफ विच आर कम्प्लीट हेल्थ केयर, इसमें जो फंक्शन आएंगे वो हेल्थ केयर को कम्प्लीट करेंगे। इसमें जो रिक्वायर्ड होगी वो क्यूरेटिव पर्पस पे होगी। इसमें जो परफॉर्मेंस होगी वो प्रिवेंटिव होगी, रिहैबिलिटेटिव होगी, फंक्शन आएंगे इसमें। इसमें इन 1986 WHO ग्लोबल प्रोग्राम कमेटी एडोप्ट करेगी। इसमें कंसेप्ट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम आएगा इसमें, बेस्ड हो गए प्राइमरी हेल्थ केयर, एंड ए पार्ट इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी आएगी। इसमें जो हॉस्पिटल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें वर्क आएंगे विद द ऑब्जेक्टिव अचीविंग आएंगी, उसमें रिसोर्टिंग आएंगे, इम्प्रूविंग हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा वो आएगा इसमें, स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एट लार्ज। इसमें मॉडल हॉस्पिटल जो होता है इसमें जो सेंटर जो होंगे वो प्रमोट करेंगे हेल्थ में। इसमें जो प्रोवाइड होगी मेडिकल केयर, इसमें जो एनकैप्सिस होंगे वो प्रिवेंटिव करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, क्योर करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे। इसमें सोशल फैसिलिटी जो होगी वो नर्सिंग के लिए होगी, डाइट्री के लिए होगी, ब्लड के लिए होगी, बैंकिंग के लिए होगी, पेशेंट काउंसलिंग के लिए होगी और स्किल पर्सनल के लिए होगी। और इसमें टीम आएगी फिजिशियन की, सर्जन की, जो पेशेंट की केयर करेंगे। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हॉस्पिटल के होंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे। इसमें थ्रू एश्योरेंस जो होगी वो क्वालिटी जो होगी उसमें प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल को। इसमें केयरिंग फेथ जो होगी वो माइंड, जो पीपल का माइंड होगा उस पर डिपेंड करेगी। इसमें पब्लिक अवेयरनेस आएगी रिगार्डिंग, इसमें प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर आएगा। अब हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, हॉस्पिटल इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक साइंटिफिक इक्विपमेंट फंक्शन थ्रू ट्रेन स्टाफ टीचिंग एजुकेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। ये थी हॉस्पिटल की डेफिनेशन। अब इसके फंक्शन, फर्स्ट इसका फंक्शन है, इसमें जो इट रेजिस क्वालिटी ऑफ केयर एंड जर्नल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। इसमें जो क्वालिटी और केयर होगी वो जर्नल स्टैंडर्ड होगी मेडिकल प्रैक्टिस की। सेकंड इसका पॉइंट है, इट इज़ अ सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ, जो सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी। इसमें ग्रेट डील आएंगी, वो प्रिवेंटिव करेगी सोशल मेडिकल को। इसमें लोअर इंसिडेंट आएंगे, डिसीज आएगी, अर्ली डिटेक्शन होगी, उसमें ट्रीटमेंट आएगा उसमें। इसमें लिंक आएगा जनरल पब्लिक का, इसमें पॉलिसी जो होगी वो मेकर होगी। ये जो स्टिमुलेट करेगी, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिमुलेट करेगी ग्रोथ मेडिकल साइंस को, डॉक्टर को, नर्सिस को, रिसीव करेगी ट्रेनिंग रिसीव होगी। इसमें लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल आएंगे, इसमें बिगर हॉस्पिटल आएंगे, इसमें कोऑपरेट करेंगे स्मॉलर हॉस्पिटल के साथ, स्पेशलाइज करेंगे हॉस्पिटल्स के साथ, कोऑपरेट करेंगे जनरल हॉस्पिटल के साथ। इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे वो कोऑपरेट करेंगे, पब्लिक हॉस्पिटल जो होंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इट सर्व ए लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड ऑफिशियल हेल्थ एजेंसी। इसमें जो सर्विस होगी वो लिंक, किसी के साथ लिंक होगा, उसमें कम्युनिटी आएंगी, ऑफिशियल हेल्थ आएंगी, एजेंसीज आएंगी उसमें। ये प्रोवाइड करेंगी ट्रेनिंग को पैरामेडिकल पर्सनल को, ये जो डिवेलप करेंगी न्यू मेथड को, ट्रीट करेंगी पेशेंट को, इम्प्रूव करेगी हॉस्पिटल सर्विस को। टेंथ पॉइंट है इसका, ये पार्टिसिपेट करेगी फाइनेंशियल प्लान को, ऑपरेट करेगी हॉस्पिटल को। अब हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है वो थ्री
मेन क्लासिफाइड है उसकी क्लिनिकल ओरिएंट, नॉन क्लिनिकल और सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब जो क्लिनिकल ओरिएंट है ऑन द मेजर, इसमें साइकेट्रिक हॉस्पिटल आएंगे, टीबी हॉस्पिटल आएगा, लेप्रोसी हॉस्पिटल आएगा, कैंसर हॉस्पिटल आएगा। सेकंड नॉन क्लिनिकल में बेसिस है, बेसिस जो है वो फोर तरह के क्लासिफाइड है, ओनरशिप में, साइज में, कॉस्ट में और मिसलेनियस में। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ एंटामेलिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइज, इसमें ईयर आएंगे, नोज आएंगे, थ्रोट आएंगे, जो ईयर नोज और थ्रोट के हॉस्पिटल हैं। ऑर्थोपेडिक आएंगे इसमें, आई हॉस्पिटल आएगा इसमें, किडनी हॉस्पिटल आएगा। क्लाइनेट ग्रुप में आएगा पेडियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल। अब जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो जो क्लासिफाइड है एलोपैथिक हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, यूनानी हॉस्पिटल में और फिजियोथेरेपी सेंटर में। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट है नॉन क्लिनिकल बेसिस। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो हॉस्पिटल है वो क्लासिफाइड करेगा बेसिस ऑफ ओनरशिप में, आइदर इसमें गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल आएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे। फर्स्ट इसमें पब्लिक ओनरशिप आएगी, सेकंड इसमें प्राइवेट आएगी। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो रेलवे हॉस्पिटल होते हैं, डिफेंस हॉस्पिटल होते हैं, पीजी हॉस्पिटल होते हैं और मेडिकल साइंस होते हैं। फर्स्ट इसमें ट्रस्ट आएगा, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हॉस्पिटल। सेकंड इसमें आएगा जेसलोक हॉस्पिटल, वो भी बॉम्बे में होगा, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक सिविल हॉस्पिटल एज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसमें रिलीजियस बॉडी आएगी, फॉर एग्जांपल इसमें आएगा रामकृष्णा मिशन हॉस्पिटल। सेकंड इसमें जे हॉस्पिटल आएगा बॉम्बे का, इसमें कोलकाता आएगा। सी पॉइंट है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसको जो कोऑपरेट होगा, कोऑपरेशन करेगी बीएमसी हॉस्पिटल, जैसे भगवती हॉस्पिटल बॉम्बे। अब इसकी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो लिमिटेड कंपनी की है, वो इनकॉर्पोरेट करेगी पब्लिक के साथ, लिमिटेड इसमें कंपनीज आएंगी, पब्लिक सब्सक्राइब करेंगे इसमें, शेयर करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल आएंगे इसमें, एलईडी आएगी इसमें। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे लार्ज हॉस्पिटल होता है उसमें जो बेड जो होंगे वो 100 से अबव होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल आ गया मुंबई का, इसमें इनटेक जो बेड, अंदर इनटेक बेड होंगे वो 1400 बेड होंगे। इसमें KEM बॉम्बे है, इसमें 1600 बेड होंगे। सेकंड जो मीडियम हॉस्पिटल होता है उसमें जो बेड होंगे वो 500 से लेके 1000 तक होंगे। फॉर एग्जांपल बॉम्बे हॉस्पिटल आ गया, बॉम्बे है 700 बेड्स। जेसलोक हॉस्पिटल आ गया, बॉम्बे है 320 बेड्स। स्मॉल हॉस्पिटल जो होगा उसमें 100 से लेके 500 तक बेड जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल आ गया, बॉम्बे हैज़ ए बेड कैपेसिटी ऑफ 130 बेड्स। पीडी हिंदुस्तान नेशनल हॉस्पिटल आ गया, इसमें बॉम्बे हैज़ बेड कैपेसिटी ऑफ 175 बेड। जो वेरी स्मॉल हॉस्पिटल होगा उसमें बेड जो होंगे लेस देन 100 होंगे, फॉर एग्जांपल नर्सिंग होम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट इसमें एलाइट हॉस्पिटल लाइक जेसलोक और हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे, दे आर द सिंबल ऑफ हाईटेक मेडिकल डेवलपमेंट। इसमें जो रूम रेंट होगा वो वेरी बिटवीन होगा, 300 से लेकर 1200 पर डे जो उसका रूम रेंट होगा। इसमें डीलेक्स रूम जो होंगे उसमें फ्रिज होंगे, टीवी होंगे, टेलीफोन, लाइक दे आर लाइक फाइव स्टार होटल, उसको हम फाइव स्टार होटल भी बोल सकते हैं। इसमें इलाइट हॉस्पिटल जो आएंगे वो सम पोर पीपल आएंगे, इसमें ट्रीटमेंट करेंगे और स्टे करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है इसमें बजट हॉस्पिटल, बजट हॉस्पिटल जो होता है वो मॉडरेट होगा, इसमें लो यूज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल इसमें सिविल हॉस्पिटल आएंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल होगा वो कैन बी टीचिंग, जो होगा वो
टीचिंग करेगा, हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच होगा। इसमें रिसर्च सेंटर आएंगे, फॉर एग्जांपल इसमें जीएमसी आएगा और नागपुर आएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। इसमें जो प्रोसेस होगी वो प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी एनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो डेवलप करेंगे सिस्टम को डेवलप करेंगे, उसकी सप्लाई करेंगे। इसमें एडिक्वेट स्टॉक जो होगा वो टाइम ऑफ इक्विपमेंट पे जो होगा वो डिपेंड करेगा। इसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो मोर एफिकेटिव होंगे, जो हम ड्रग जो होंगे वो परचेज कर सकते हैं एट इकोनॉमिक प्राइस पे। प्रोसीजर जो इसका होगा टू एस्टिमेट द क्वांटिटी और क्वालिटी इसकी होगी, ईच आइटम पे होगी। इसमें आइटम जो होगी वो गुड क्वालिटी होगी, इसमें फ्रॉम वेरियस सोर्स आएंगे, इसमें इकोनॉमिकल प्राइस आएगा, इसमें रिसीव करेगा ये, प्रिवेंट करेगा स्टोरेज को। फर्स्ट इसका पॉइंट है स्टोर मैनेजमेंट जो होगा वो स्टोरिंग मटेरियल होगा। स्टोर मैनेजमेंट जो होगा इसमें स्टोरिंग मटेरियल होगा वो इंश्योर एक्यूरेंसी आएगी, इसमें प्रिवेंशन करेगा उसकी, सेफ्टी करेगा मटेरियल की स्टोर मैनेजमेंट पे। सेकेंड है इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेंट्री आएंगे इसमें, मिनिमाइज आएगा इसमें, टाइम जो होगा अवॉइडिंग करेंगे इसमें, आउट ऑफ स्टॉक आएगा इसमें। अब इसमें नंबर ऑफ टेक्निक जो अवेलेबल हैं, इसमें ए बी एनालाइज आएगा, वी डी एनालाइज आएगा, ई ओ के ओ मेथड आएगा इसमें, लैड टाइम आएगा। ए बी एनालाइज होगा इसमें एवरी टाइम जो इन्वेंट्री लीसन होगा वो ऑर्डर एनुअल जो होगा उसमें यूजेज होगा। कैटेगरी इसमें आएगी ए बी सी। परसेंटेज एडेड इसमें आएगी 10 से 15, 20 से 25, 16 से 17। अब एनुअल एक्सपेंडिचर जो इसमें होगी 17 से 18, 15 से 20, 5 से 15। ये जो कैरी आउट करेगा फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बेस्ड करेगा प्रिंसिपल को। इसमें वाइटल फ्यू आएंगे, 3 वाइटल आएंगे इसमें, हायर अटेंशन आएगी इसमें, वाइटल फ्यू आएंगे इसमें, अफेक्ट करेंगे अल्टीमेट रिजल्ट को। इसमें बी ए डी एनालाइज आएगी जो होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, फॉर फंक्शनिंग आएंगे इसमें, एफिशिएंसी आएगी इसमें हॉस्पिटल की। वाइटल ड्रग जो होंगी इसमें, वो जो ड्रग होंगी वो हम कैन वी टॉलरेट, जो होंगी हम टॉलरेट नहीं करते हैं फॉर इवन ए सिंगल डोज, जो हमें सिंगल डोज दे जाती है ड्रग की वो हम टॉलरेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल ड्रग जो होती हैं इसमें, दीज आर ड्रग जो इफेक्ट करेंगी क्वालिटी ऑफ सर्विस को, सर्विस की क्वालिटी को इफेक्ट करेंगी। डिजायरेबल ड्रग जो होंगी वो इफेक्ट नहीं करेंगी फंक्शनिंग, जो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग होंगी उसको इफेक्ट जो है वो नहीं करेगी। ईओको इसमें, ईओको की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फर्स्ट इसमें आ गया एक्विजिशन कॉस्ट, ये जो होगी कैन बी मिनिमाइज करेगी, प्लेसिंग करेगी, कोटेशन करेगी और इनवाइटिंग टेंडर करेगी। इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आ गया। नेक्स्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये जो सर्विसेज होंगी वो क्रेडिट के जरिए होंगी, परचेज कर सकते हैं उसको। स्टोर टेलीफोन सर्विस आएंगी इसमें, हाउसकीपिंग आएगी इसमें, मेंटेनेंस आएगी लॉन्ड्री की। एम्बुलेटरी सर्विस जो होती हैं वो आउट पेशेंट क्लिनिक्स के लिए होती हैं, इसमें एमरजेंसी सर्विस आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी एसोसिएट डायरेक्टर की। ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल आएगा इसमें, वो गवर्निंग बॉडी आएगी इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन आएगा इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्निंग बोर्ड आएगा इसमें।
गवर्निंग बोर्ड आएगा इसमें, गवर्निंग बोर्ड के नेक्स्ट है इसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो डिवाइड कर है पर्सनल में, क्लिनिकल सर्विस में, एम्बुलेटरी सर्विस में, ग्रांट एंड कंट्रोल, पब्लिक रिलेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। फर्स्ट इसमें ब्लड बैंक आएगा, सेकंड क्लिनिकल लेबोरेटरी आएगा, थर्ड में इसमें रिसर्च लेबोरेटरी आएगा, फोर्थ इसमें सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई आएगा इसमें, फिफ्थ फार्मेसी आएगा, सिक्स इसमें रेडियोलॉजी आएगा, पैथोलॉजी आएगा, नर्सिंग सर्विस आएगी इसमें, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। मैनी हॉस्पिटल होते हैं इंडिया में, वो प्राइवेट भी होंगे, नॉन गवर्नमेंट भी होंगे। इसमें बल्क जो होगी इनकम की वो जो होगी इंस्टीट्यूट होगी फॉर द पेशेंट के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड आएंगे उसमें। पेशेंट जो होगा वो इसमें इंश्योरेंस होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट भी आ सकता है। फार्मासिस्ट जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा हेल्थ केयर सिस्टम को। इसमें एक्साइटिंग सिलेक्शन आएंगी, ड्रग थेरेपी आएंगी, हेल्थ केयर टीम आएगी विद द पेशेंट ऑफ ओसीटी, ओटीसी की फुल फॉर्म होती है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन। इसमें प्रिपेयरिंग आएंगे, कंपाउंडिंग आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स आएंगी। इसमें डिस्पेंसिंग आएंगी, पैकेजिंग आएंगी, लेबलिंग आएंगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है, वो यूनाइटेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जरिए होता है। ये जो डिवाइड हो रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट हेल्थ, इसमें सेक्रेटरी आएगा, जॉइंट सेक्रेटरी आएगी, डिप्टी सेक्रेटरी आएगी, डिप्टी जनरल हेल्थ सर्विस आएगी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आएगी। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस जो डिवाइड होगी वो मेडिकल केयर में, पब्लिक सर्विस में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो होगी सेक्रेटरी पे होगी, कमिश्नर पे होगी, टू डिप्टी कमिश्नर पे होगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगी, डिप्टी सेक्रेटरी होगी और रीजनल डायरेक्टर आएंगे इसमें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल फॉर हेल्थ। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ आएंगे, डिप्टी मिनिस्टर आएगा, सेक्रेटरी आएगी इसमें, डिप्टी सेक्रेटरी आएगी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आएंगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आएंगे इसमें, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आएंगे इसमें, मेडिकल एजुकेशन आएगी इसमें, नर्सिंग आएंगे, हेल्थ एजुकेशन आएंगे, न्यूट्रिशन आएंगे, स्कूल आएंगे इसमें। ये जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा वो अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें जो WHO होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा एनी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो जो होगा WHO जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें सेपरेट ऑफिसर आएंगे, उसको हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस भी बोल सकते हैं, वो अपॉइंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, इसमें सुपरविजन आएंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्विस इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसमें प्राइमरी हेल्थ आएंगे, सिटी हॉस्पिटल आएंगे, टाउन हॉस्पिटल आएंगे, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं। इसमें हेल्थ की नीड होती है, एरियाज आएंगे इसमें, वेलफेयर एक्टिविटी आएंगी, लिंक्स आएंगे इसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर आएंगे इसमें, जो डिपेंड करेगी फैसिलिटी पे और सिविल हॉस्पिटल पे। इसमें डीन डायरेक्ट आएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे, चेयरपर्सन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल आएगा इसमें। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं, इसमें जो पॉलिसी होगी वो गवर्निंग होगी, काउंसलिंग पॉलिसी होगी इसमें। इसमें रिस्पॉन्सिबल जो होगा एंटायर सिचुएशन पे रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका जो माइंड होगा वो हाई स्टैंडर्ड पे होगा। इसमें बहुत सर्विस आएंगी, इकोनॉमिक्स आएंगी, रिस्पेक्ट आएंगी इसमें स्टाफ और पेशेंट की। इसमें कोऑर्डिनेट वर्क आएगा वेरी सेक्शन पे, हेड ऑफ हॉस्पिटल पे। इसमें जो एक्सपेंशन होगी
वो लेटेस्ट होगी, टेक्नोलॉजी होगी, डेवलपमेंट होगी फील्ड ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग परचेज ऑफ लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें वेरियस फंक्शन आएंगे, इसमें पेशेंट जो होंगे फेथ वाई डूइंग एवरीथिंग। आज का टॉपिक इतना ही था, थैंक यू।